आज हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस के बारे में क्या जानेंगे कि कौन सा टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब से हम पहचानेंगे कि यह कौन सा टेंस है। जैसे आप देखते हैं प्रेजेंट टेंस का है इंडिफिनिट, तो उसकी पहचान क्या होती है, ता है, ती है, तो उसकी सहायक क्रिया क्या होगी, डू या डज होती है। ठीक उसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखते हैं तो उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, और उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज आर एम होती है। ठीक उसी तरह प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस देखेंगे तो चुका होगा, चुकी होगी होते हैं पहचान, और इसकी सहायक क्रिया का क्या होती है, हैज या है। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रहा है, रही है के साथ समय का बोध होता है, और उसकी सहायक क्रिया क्या होगी, हैज या है के साथ बीन लगा होगा। ठीक है, अब आ जाइए पास्ट टेंस में। उसी तरह पास्ट टेंस में क्या है, ता था ता थी, यानी कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, तो उसमें हमारी सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है। और आ जाइए आपके कंटीन्यूअस में, तो इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है, वाज या वर, पहचान क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। आ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस में, चुका था, पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, और सहायक क्रिया के रूप में केवल एक हेल्पिंग वर्ब लगती है। और पांच परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था के साथ समय का बोध होगा, तो उसमें हम सहायक क्रिया हैड बीन लगा देते हैं। आ जाइए लास्ट वाला फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में गा गी गे जैसे शब्द आते हैं और सहायक क्रिया के रूप में विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी पहचान होती है, और सहायक क्रिया के रूप में विल बी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाइए, चुका होगा, चुकी होगी जैसे शब्द आते हैं और सहायक क्रिया के रूप में विल हैव का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आदि के साथ समय का बोध होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होती है, और सहायक क्रिया के रूप में विल हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पूरे टेंस हुए।